राहुल त्रिपाठी और वेंकटेश अय्यर की तूफानी पारी से उड़ी मुंबई की टीम। बेकार गई रोहित शर्मा और क्वांटन डी कॉक की तूफानी पारी। तो क्या है पूरे मैच का हाइलाइट्स बताएंगे इस वीडियो में। तो इससे पहले वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कोलकाता की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मुंबई की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा और क्वांटन डी कॉक ने पारी की शुरुआत की। दोनों ही बल्लेबाजों ने पावर प्ले में तूफानी अंदाज में बैटिंग की, लेकिन रोहित शर्मा 33 और क्वांटन डी कॉक 55 रनों की अर्धशतकीय पारी खेलकर आउट हो गए। उसके बाद मुंबई की पारी को कोई भी बल्लेबाज नहीं संभाल सका। अंत में कैरन पोलार्ड ने शानदार 21 रन बनाए और मुंबई की टीम ने 20 ओवर में 155 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना लिए। केकेआर की टीम की तरफ से 2-2 विकेट पी कृष्णा और लोकी फर्गूसन ने लिए। 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए केकेआर की टीम की शुरुआत काफी ताबड़तोड़ रही। केकेआर की टीम ने 10 ओवर में 111 रन बना लिए थे। वहीं वेंकटेश अय्यर और राहुल त्रिपाठी के बीच ताबड़तोड़ साझेदारी हुई। वेंकटेश अय्यर ने शानदार 53 रनों की पारी खेली और दूसरे छोर पर राहुल त्रिपाठी ने 74 रनों की नाबाद पारी खेली और केकेआर ने इस मैच को 15.1 ओवर में 7 विकेट से जीत लिया। दोस्तों इसी तरह की क्रिकेट अपडेट के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।